असलम बनारसी साहब ने कहा था, अगर वो झांक ले कुछ देर मेरी आंखों में, सुने शेर मजा आ जाएगा दूसरे मिसरे में, अगर वो झांक ले कुछ देर मेरी आंखों में, मैं एक चांद इसी झील से निकालूंगा। यह गजल का जादू है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि गजल के एक बहुत अच्छे शायर को आपके दरमियान पेश करूं। अली जनाब मोहतरम अलाउद्दीन सिद्धार्थ नगरी साहब मेरी फेहरिस्त में तशरीफ फरमाए। तो आप अभी तक हंस रहे थे, लेकिन अब गजल के अच्छे शेर आपको सुनने के लिए तैयार होना है, आमादा होना है। तो जोरदार तालियों के साथ आप अलाउद्दीन सिद्धार्थ नगरी साहब का इस्तकबाल को सुनाने के लिए माइक पर तशरीफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बड़े भाई करीम खान साहब का, हशमत खान साहब का, साजिद खान साहब का और उनके टीम के सभी लोगों का दावत देने के लिए। अब आइए बिला ताखीर मैं बिल्कुल वक्त का लिहाज करते हुए सबसे पहले चार मिसरे आप सभी की खिदमत में पेश करता हूँ, समाप्त करें। जी भाई, हमारे सामने बड़े भाई अजीमुशान फारूकी, बड़े भाई अल्ताफ, बड़े भाई इकबाल चौधरी साहब, नौशाद खान साहब, इरशाद साहब और समीउल्लाह खान साहब और हमारे तमाम बड़े भाई साथियों यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं आप सबकी दुआओं का सहारा लेकर के सबसे पहले चार मिसरे आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ, समाप्त करें। खाली पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो, खाली पड़े हुए हैं मेरे हाथ देख लो, कोई नहीं है आज मेरे साथ देख लो, कोई नहीं है आज मेरे साथ देख लो, और मैं जिनको दस्तियाब रहा कल्ब जान से, जान से वो जाते जाते कह गए औकात दे, वो जाते जाते अलाउद्दीन साहब जिंदाबाद है बाबा, देख लो वो जाते जाते कह गए औकात देख लो, वो जाते जाते कह गए औकात देख लो। अब यहाँ से एक बहुत खूबसूरत सी गजल आप सभी के समातों के हवाले पहुंचा रहा हूँ, समाप्त करिएगा। अदा करें भाई, अदा करें। के बात ये है कि तेरे बगैर, बात ये है कि तेरे बगैर अब तो अपना गुजारा नहीं, बात ये है कि तेरे बगैर अब तो अपना गुजारा नहीं, मुख्तसर सी है ये जिंदगी और कोई सहारा नहीं, मुख्तसर सी है ये जिंदगी और कोई सहारा नहीं। और यहाँ से मैं बहुत खूबसूरत शेर पहुंचा रहा हूँ आप सबकी दाद चाहता हूँ, पहुंचा रहा हूँ, समाप्त करिएगा। कि दुख दुख बस इस बात का है मुझे, मेरे भाई ने ही मात दी, दुख बस इस बात का है मुझे, मेरे भाई ने ही मात दी, कि दुख बस इस बात का है मुझे, मेरे भाई ने ही मात दी, वरना दुनिया से तो आज तक, वरना दुनिया से तो आज तक मैं कोई जंग हारा नहीं, वरना दुनिया से तो आज तक मैं कोई जंग हारा नहीं, मैं कोई
जंग हारा कहने भाई वाह 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 वरना दुनिया से तो आज तक मैं कोई जंग हारा नहीं। और ये भी शेर मैं पहुंचा रहा हूँ और इस देश की तवज्जो चाहता हूँ पहुंचा रहा हूँ समाप्त करें जी कि उम्र भर को जुदा हो गए दोनों बस इतनी सी बात पर उम्र भर को जुदा हो गए दोनों बस इतनी सी बात पर कि उम्र भर को जुदा हो गए दोनों बस इतनी सी बात पर उसने मुड़ करके देखा नहीं उसने मुड़ करके देखा नहीं और मैंने पुकारा। अच्छा है भाई वाह 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 भाई हमारे करीम खान साहब की मोहब्बतें पहुंच रही वाह 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 बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का कि उसने मुड़ करके देखा नहीं मैंने पुकारा नहीं उसने मुड़ करके देखा नहीं और मैंने पुकारा नहीं। बहुत अच्छे भाई वाह 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 माइक वाले भाई अगर माइक थोड़ा सही कर दे तो बहुत बेहतर होगा। मैं शेर पहुंचा रहा हूँ समाप्त करें जी भाई। उसने मुड़ करके देखा नहीं और मैंने पुकारा नहीं और पिछले मौसम के सब जख्म दिल इसलिए फिर उभरने लगे पिछले मौसम के सब जख्म दिल इसलिए फिर उभरने लगे कि पिछले मौसम के सब जख्म दिल इसलिए फिर उभरने लगे उसकी यादों को इस जहन से उसकी यादों को इस जहन से मैंने अब तक उतारा नहीं उसकी यादों को इस जहन से मैंने अब तक उतारा नहीं उसकी यादों को मुख्तसर सी है ये जिंदगी और कोई सहारा नहीं। और एक बहुत ही खूबसूरत शेर और सच्चाई भरा शेर आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ समाप्त करिएगा कि वो तो फुटपाथ पर चैन से सो गया एक अखबार पर वो तो फुटपाथ पर चैन से सो गया एक अखबार पर कि वो तो फुटपाथ पर चैन से सो गया एक अखबार पर नरम बिस्तर पर भी आपका नरम बिस्तर पे भी आपका अरे नींद से कोई यारा नहीं नरम बिस्तर नरम बिस्तर पे भी बहुत बहुत शुक्रिया भाई नरम बिस्तर पे भी आपका नींद से कोई यारा नहीं कि वो तो फुटपाथ पर चैन से सो गया एक अखबार पर नरम बिस्तर पे भी आपका नरम बिस्तर पर भी आपका अरे नींद से कोई यारा नहीं नरम बिस्तर पे भी आपका नींद से कोई यारा नहीं। और इस गज़ल की आखिरी शेर आप सबकी खिदमत में पेश करता हूँ समाप्त करिएगा नरम बिस्तर पे भी
आपका नींद से कोई यारा नहीं। शेर पहुंचा रहा हूं, समाप्त करिएगा। अपनी आवाज धीमी रखो, अपनी जिस पे तुमको बड़ा नाज है। मैं तवज्जो चाहता हूँ, आखिरी शेर पहुंचा रहा हूँ, समाप्त करिएगा। कि अपनी आवाज धीमी रखो, जिस पे तुमको बड़ा नाज है। कि अपनी आवाज धीमी रखो, जिस पे तुमको बड़ा नाज है। वो जो लहजों का सुल्तान है, वो जो लहजों का सुल्तान है, उसको ये सब गवारा नहीं। वो जो लहजों का सुल्तान है, उसको ये सब गवारा नहीं, उसको ये सब गवारा नहीं। अपनी आवाज धीमी रखो, जिस पे तुमको बड़ा नाज है। अपनी आवाज धीमी रखो, जिस पे तुमको बड़ा नाज है। कि अपनी आवाज धीमी रखो, जिस पे तुमको बड़ा नाज है। वो जो लहजों का सुल्तान है, उसको ये सब गवारा नहीं। वो जो लहजों का सुल्तान है, उसको ये सब गवारा नहीं। हमारे सामने हमारे तमाम बड़े भाई बैठे हुए हैं, और इन सब की एक कलाम की हिदायतुल्लाह खान शमसी हैं, एक उन्हीं का कलाम है, और इन तमाम भाइयों का हुक्म है कि ये कलाम पढ़ा जाए। मैं शेर पहुंचा रहा हूं, समाप्त करिएगा। के अंधेरा क्या मेरी आंखों में आके बैठ गया, अंधेरा क्या मेरी आंखों में आके बैठ गया, अंधेरा क्या मेरी आंखों में आके बैठ गया। चराग मैं भी हवा में जला के बैठ गया, चराग मैं भी हवा में जला के बैठ गया। और जरा सी उसी को जगे मैंने क्या दी महफिल में, जरा सी उसी को जगे मैंने क्या दी महफिल में। मेरी नशिस्त पे मुझको उठा के बैठ गया, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, मेरी नशिस्त पे मुझको उठा गया, वाह 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 वाह, मेरी नशिस्त पे मुझको उठा के बैठ गया। कि जरा सी उसी को जगे मैंने क्या दी महफिल में, जरा सी उसी को जगे मैंने क्या दी महफिल में। मेरी नशिस्त पे मुझको उठा के बैठ गया, बहुत अच्छा है बाबा, मेरी नशिस्त पे मुझको उठा के बैठ गया। और ये भी शेर पहुंचा रहा हूं, समाप्त करिएगा। कि वो बेवकूफ नहीं रोशनी के चक्कर में, वो बेवकूफ नहीं रोशनी के चक्कर में, कि वो बेवकूफ नहीं रोशनी के चक्कर में, दिया जलाने लगा घर जला के बैठ गया, दिया जलाने लगा घर जला के बैठ गया, दिया जलाने लगा घर जला के बैठ गया।
और बहुत तेजी के साथ आखिरी के दो शेर जो बचे हैं आप तक पहुंचा रहा हूं, समाप्त करिएगा। कि उजाला दिन का मुनाफिक था शाम होते ही, उजाला दिन का मुनाफिक था शाम होते ही, के उजाला दिन का मुनाफिक था शाम होते ही, अंधेरी रात के पहलू में जाके बैठ गया, अंधेरी रात के पहलू में जाके बैठ गया। आखिरी शेर पहुंचाकर मैं अपनी जगह लेता हूं, शेर पहुंचा रहा हूं, समाप्त करिएगा। कि हुकूक सबके हड़प कर वो कोठियों वाला, हुकूक सबके हड़प कर वो कोठियों वाला, के हुकूक सबके हड़प कर वो कोठियों वाला, खुदा के घर में मुसल्ला बिछा के बैठ गया। भाई जिंदाबाद, भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह वाह वाह, भाई एक मर्तबा अगर आपको पसंद आया है तो जोरदार तालियों से हौसला अफजाई कीजिएगा अलाउद्दीन सिद्धार्थ नगरी साहब की, कि वो आपके दरमियान ये शेर फिर एक मर्तबा पढ़े। भाई अलाउद्दीन साहब आप ये शेर फिर पढ़ेंगे। हुकूक सबके हड़प कर वो कोठियों वाला, के हुकूक सबके हड़प कर वो कोठियों वाला, हुकूक सबके हड़प कर वो कोठियों वाला, खुदा के घर में मुसल्ला बिछा के बैठ गया, खुदा के घर में मुसल्ला बिछा के बैठ गया, खुदा के घर में मुसल्ला बिछा के बैठ गया। बहुत बहुत शुक्रिया।